हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PraescioEdu होमस्कूलिंग। PraescioEdu होमस्कूलिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं, टॉपिक है हमारा एनालॉजी। अभी हम देखने वाले हैं उसका सब टॉपिक जिसका नाम है फिगर्स। तो अभी हम देखेंगे कि फिगर्स क्या होता है और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी हमारे दोस्त हैं जो स्टैंडर्ड 5th के स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए बैठे हैं, उन सभी को मेरे इस वीडियो का फायदा हो सके। तो चलो बढ़ते हैं हमारे आगे की टॉपिक की ओर, जो है फिगर्स। क्या होता है फिगर्स? मतलब फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल फिगर्स हेल्प टू डेवलप डिफरेंट एबिलिटीज इन स्टूडेंट। मतलब जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स की रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करनी है, इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उनमें डिफरेंट एबिलिटी उनकी डेवलप होती है। द स्टडी हेल्प्स टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड कॉम्प्रहेंशन। तो इससे हम ये स्टडी कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन एंड कॉम्प्रहेंशन इससे बढ़ता है, डेवलप होता है। अभी फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर्स चेंजेस इन स्ट्रक्चर, साइज ऑफ द फिगर, नंबर ऑफ लाइंस, डायरेक्शन ऑफ द फिगर एक्सेट्रा मस्ट बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिसमें जो रिलेशनशिप होने वाली है वो किस तरह की होगी, तो उसमें कुछ फिगर्स या स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होंगे, हो सकता है साइज फिगर का कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, हो सकता है कि नंबर ऑफ लाइंस उसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर डायरेक्शन फिगर की जो डायरेक्शन है वो कुछ अलग हो सकती है। तो इस तरह के हमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स देने वाले हैं। सेम है जैसे हमें पहले दो टर्म्स को, मतलब जो पहले दो फिगर्स हमें दी होगी उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, उनकी रिलेशनशिप हमें आइडेंटिफाई करनी है, बाद में हमें आगे की टर्म सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ फिगर इज अ मस्ट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर्स। इसमें हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। क्लोज ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? जो भी हमें ज्योमेट्रिकल फिगर इसमें दिए हुए हैं वो फिगर को हमें बहुत ही गौर से देखना है कि उन फिगर्स में क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या कैसे डायरेक्शन है, कैसे वो मूव हो रहे हैं, ये सब हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन से, मतलब गौर से देखना है। तो वन मस्ट रिमेंबर दैट द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट टू द फर्स्ट टू फिगर्स, द सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन द थर्ड एंड द फोर्थ। तो हमें एक बात हमें ध्यान में रखना है कि जो रिलेशनशिप जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में जो रिलेशनशिप दिखाई दी है, वही रिलेशनशिप थर्ड और फोर्थ में भी हमें दिखाई देने वाली है। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लेके वो कैसे सॉल्व करते हैं, उनमें क्लोज ऑब्जर्वेशन कैसा होता है, ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होते हैं एग्जाम्पल्स और कैसे इनके ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन से कैसे पहचानना है और कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ दोस्तों। देखो आपके स्क्रीन के ऊपर पहला ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा, जो है कुछ इस तरह है। ठीक है, इस तरह का कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो हमें आगे इसमें दिया है कि हमें क्या ढूंढ निकालना है, बराबर है। यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, हो सकता है मेरे इस ज्योमेट्रिकल फिगर में इतना परफेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको अगर परफेक्शन देखना है
तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चंस है आप उन्हें फॉलो करो, उनमें जो ज्योमेट्रिकल फिगर दी है आप उन्हें देखो और आप उनके सही जवाब कमेंट्स के द्वारा मुझे भेजो। तो इसमें हमें क्या दिया है कि हमें कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर दिए हैं, तो हमें क्या ढूंढ निकालना है कि हमें जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहां पे क्या आएगा वो हमें ढूंढ निकालना है। तो पहले के दो रिलेशनशिप हमें देखना है, फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट स्क्वायर है उसमें हमें 3 एरोस दिए हैं, बाद में के स्क्वायर में है 4 एरोस, मतलब क्या हुआ इसमें एक नंबर ऑफ एरोस इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमें 2 स्क्वायर दिखते हैं तो यहाँ पे हमें कितने स्क्वायर दिखेंगे, एक अगर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो सेम रिलेशनशिप यहाँ पे भी थर्ड और फोर्थ में होगी, मतलब यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर दिए हुए हैं तो इनका सही जवाब आएगा 3 स्क्वायर, एक नंबर ऑफ स्क्वायर हमें ऐड करना है क्योंकि पहले दो रिलेशनशिप में वो ही दिया हुआ है। अभी हमारे ऑप्शन में है क्या, यस ऑप्शन नंबर 1 देखो बराबर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही ज्योमेट्रिकल फिगर रहेंगे, आपको सिर्फ उनको ध्यान से देखना है कि उनके रिलेशनशिप क्या है। चलो बढ़ते हैं हमारे आगे की क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देखो दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है, हमें दिए हैं 3 सर्कल, इनके रिलेशनशिप क्या है, आगे है 2 सर्कल। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, आगे है 2 ट्रायंगल, बराबर है ना। अभी हमें यहाँ पे आगे है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इन दोनों की पहले फर्स्ट और सेकेंड टर्म की जो रिलेशनशिप है वो हमें पहले देखनी है। तो पहले क्या है, पहले दिया है 3 सर्कल, बाद में 2 सर्कल है, मतलब यहाँ का जो एक सर्कल है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, बराबर है। यहाँ पर एक सर्कल डिक्रीज हुआ है, मतलब जो नंबर ऑफ सर्कल्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो थर्ड और फोर्थ में भी सेम रिलेशनशिप होगा, अगर यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल डिक्रीज होंगे, अगर यहाँ पे एक सर्कल डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कितने रह गए, तो एक ही ट्रायंगल रह गया, बराबर है। अभी हमारे ऑप्शन में देखो ट्रायंगल है क्या, यस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, मिल गया हमें। देखो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देखो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ सर्कल दिए हुए हैं जिसमें कुछ नंबर्स है, 2 क्या है, 6, 8, 4 और सेम दूसरा है सर्कल जिसमें भी हमें कुछ नंबर्स है, 1, 3, 1, 3, 4, 2, बराबर है। आगे एक सर्कल और दिया है जिसमें कुछ नंबर्स है, वो क्या है, सॉरी यहाँ पे जो सर्कल है वहां पे जो नंबर है वो हमें ढूंढ निकालना है। तो हमें डायरेक्टली लास्ट का जो सर्कल है वो हमें दिया है जिसमें कुछ नंबर्स है, तो वो नंबर्स कौन से है, वो है 6, 10, बाद में है 4 और 8, बराबर है। अभी हम देखने वाले हैं कि पहले दो टर्म में क्या सिमिलैरिटी है, क्या रिलेशनशिप है। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2, 6, 8, 4 ये सभी नंबर किसी एक ही टेबल में आते हैं और वो टेबल है 2 का, बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8 और 2 2 4, 1, 3, 4, 2,
सेम यहाँ पे दूसरे जो सर्कल में दिया है वो ही सीरीज दी है कि 1, 3, 4, 2 यहाँ पे हमने ढूंढ निकाला है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 2, ठीक है। सेम वही सीरीज हमें नेक्स्ट सर्कल में दिखाई दी है, अभी ये लास्ट वाले सर्कल में भी हमें कुछ नंबर्स दिए हैं जिससे हमें पहले वाले मतलब 3 वाले जो सर्कल है उसके नंबर्स हमें मिलने वाले। तो अभी 6, 10, 4, 8 ये 4 नंबर्स किसी एक ही टेबल में आते हैं, तो वो टेबल कौन सा है एग्जैक्टली वो भी है 2 का ही टेबल है, तो वो क्या है 2, 3 जा 6, 2, 5 जा 10, 2, 2 जा 4 और 2, 4 जा 8 बराबर है 3, 5, 2, 4। अगर यहाँ पे 1, 3, 4, 2 यहाँ पे वही सीरीज लिखी है तो हमें यहाँ पे सेम सीरीज हमें यहाँ पे लिखनी है 3, 5, 2, 4। इस तरह के नंबर्स हमारे यहाँ पे हैं क्या, देखो आपके ऑप्शन में 3, 5, 2, 4 यस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मिल गया आपको अपना आंसर, ठीक है। देखो दोस्तों मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि ये मेरे ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, इसमें हो सकता है शायद परफेक्शनिस्ट नहीं होगा, लेकिन आपके स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको फॉलो करो और सही जवाब तक देखो जाओ पहुंचो और आंसर तक पहुंच जाना। तो चलो बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देखो दोस्तों क्या है। पहले दिया हुआ है एक सर्कल, उसमें है ट्रायंगल, ठीक है। बाद में क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है और उसमें सर्कल है, उसमें क्या है सर्कल है। तो हमें क्या ढूंढ निकालना है कि एक सर्कल है उसमें स्क्वायर है और जो फोर्थ टर्म दिया हुआ है वो है क्वेश्चन मार्क। तो अभी यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, हमें जो क्वेश्चन मार्क ढूंढना है उसका आंसर क्या हो सकता है। देखो दोस्तों पहले तो दिया हुआ है, पहले फर्स्ट टू टर्म्स का हम रिलेशनशिप देखते हैं कि पहले सर्कल में ट्रायंगल दिया है, बाद में वही ट्रायंगल बाहर आया है और वो सर्कल ट्रायंगल के अंदर है। अभी यहाँ पे देखना एक सर्कल है उसके अंदर स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमें फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमें क्या होगा मिल गया है, जो पहले सर्कल सॉरी स्क्वायर है उसमें सर्कल है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे सर्कल में ट्रायंगल है और ट्रायंगल में सर्कल है, तो हमारे थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन जो टर्म है उसमें भी सेम रिलेशनशिप है अपोजिट वाली, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर सर्कल में स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर में सर्कल होगा। देखो आपके ऑप्शन में है क्या, यस ऑप्शन नंबर 2 बराबर है, मिल गया हमें आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देखो दोस्तों हो सकता है मेरे ज्योमेट्रिकल फिगर्स यहाँ पे परफेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या फॉलो करना है, आपको नीचे आपके स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उन्हें फॉलो करना है। चलो आगे का क्वेश्चन है, सर्कल उसमें है एम, ठीक है, सर्कल नहीं सॉरी स्क्वायर उसमें है एम, बाद में है डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाला टर्म कौन सा है, इसमें हमें पूछा गया है Y और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों पहले हम पहले दो जो टर्म है उसकी रिलेशनशिप देखेंगे, बाद में तीसरे और चौथे की रिलेशनशिप तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो पहले है जो स्क्वायर में M दिया हुआ है वही M नेक्स्ट स्क्वायर में क्या किया है, उल्टा किया है, जिसे हम W कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम इसे W नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम इसे उल्टा M कहेंगे।
तो हमें आगे की स्क्वायर में क्या दिया है, y दिया है। तो अगर हम इसे एग्जैक्टली उल्टा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, आप ही बताओ। यहाँ पे हम अगर इसे उल्टा करेंगे तो कुछ इस तरह हमें फिगर मिल जाएगी। देखो आपके स्क्रीन के ऊपर जो ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शंस में इस तरह के फिगर है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसमें एग्जैक्टली अपोजिट फिगर हमें दी गई है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं और हमें कैसे फर्स्ट 2 टर्म में रिलेशनशिप देखनी है, बाकी आगे के जो 3 और 4 टर्म्स है वो उनकी रिलेशनशिप ढूंढने में हमें आसानी हो सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जांपल के तौर पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आपको कुछ सॉल्विंग पर्पस के लिए क्वेश्चंस देने वाली हूँ, कृपया वो ध्यान से देखो और उनके जवाब, सही जवाब आप मुझे कमेंट के द्वारा भेजो। मैं आपके हर एक कमेंट्स को रिप्लाई दूंगी और बताऊंगी कि आपने जो जवाब दिए हैं वो सही है या गलत है। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी हमारे दोस्त हैं जो स्टैंडर्ड 5th के स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठे हैं उन सभी को हमारे इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके कुछ अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा भेजना, ठीक है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।